कदीर बेटा, चारे की बोरियां आ गई हैं। मैं अंदर रखवा देता हूँ, जरा संभाल लेना। हाँ, अरे सब ठीक से गिन के रख दो। हाँ हाँ, सब रख दिया, बाद में गिनवा लेंगे। चलो अभी। My son Abhishek. Hi sir, nice to meet you. Hello team, is the convoy ready to move? Kavita Menon from Malayalam Manorama. Yes ma'am. Venkat Raman from Din Garuda. Kalyan Kumar from Express. Kalyan Kumar from Express. There are 3 lakhs Indians in UK. And they happen to be the 3rd largest ethnic group here. Mr. Kalyan Kumar from Express. Hi, yes. थोड़ी जल्दी आ सकते थे ना? जल्दी आकर क्या होता? लेक्चर ही सुनना था ना? What? तो उसके लिए ऐसे लेट आकर? I'll wait there. आप शुरू कीजिए. See, यही कल की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है. Well, I hope all of you will be here tomorrow and support him by giving wide and detailed coverage for this conference. I guess we are done. And see you tomorrow. Bye. Okay, man. Hey, throw it up, man. Careful. Yeah. Our Invest India meet starts in few minutes. If you have any phones, mobiles, and wallets, please place them in the tray here. Next, please, sir. Please open your bag. Next, please. Mark, clear them from the So please arrange for the meeting. No, no, I have just came for holiday. Prime Minister of India, Mr. Chandrakant Verma is here. Thanks. आप सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्तेदार की शादी पर आया हूं. हम थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, ओके? यहां कितने लोगों ने लव मैरिज की है? Hey, Mr. Mahadev. Sir. आपकी बायोग्राफी में कई लव स्टोरीज आती हैं। अभी शांत बैठे हुए। हाँ, ये बात हुई ना। आपकी शादी से पहले का वो म्यूचुअल मैग्नेटिक चाह, रोज रोज एक दूसरे को देखने की तड़प, बार बार बातें करने की चाह, लेकिन शादी के बाद भी उसी लेवल पर है क्या? या फिर कम हुआ है? हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेधड़क हाथ उठाइए। ओके, सबसे पहले मैं बेधड़क हाथ उठाता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी अब भी यहां पर नहीं है, इसलिए बेधड़क हाथ उठा सकता हूं। अरे क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? मिसेस नारायण मूर्ति, उन्हें यहां तो कम से कम सच बोलने दीजिए। ओके, अब थोड़ा हम मां के बारे में बात करेंगे। अपने बेटे से कोई मां प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? उसी मां ने बचपन में हमें धमकियां देकर खाना खिलाया होगा, मारकर पढ़ाया भी होगा, अगर शैतानी की होगी तो डंडों से मारा भी होगा। उस वक्त हमने मां को भला बुरा कहा होगा, फिर भी हमारी माँ का जो प्यार हमसे है या फिर अपनी माँ से जो प्यार हम करते हैं, वो कभी कम हो सकता है क्या? नहीं। भले ही कितनी भी सुविधाओं के साथ आप यहां आकर सेटल हो गए हों, ये देश प्रेमिका की तरह है, लेकिन इंडिया हमारी माँ की तरह है।
इंडिया में घोटाले, रिश्वत, जातपात, आतंकवाद ऐसी और भी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इसीलिए हमारी सरकार देश की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से लगी हुई है। उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पर सेटल हो चुके इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की तरक्की में काम आने चाहिए। माय गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। टू इंस्पायर यू ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू जेंटलमैन हियर। इंडिया के सेंसेक्स का ऊपर होना या नीचे होना, यह आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्धारित होता है। तो लीजिए, मैं पेश करता हूं मिस्टर विजय माथुर। विश्व के अमीरों में 7वें स्थान पर है। हर देश में इनकी जायदाद है, लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। रबर वैक्यूम मिस्टर अरुण स्वामीनाथन, ये एग्रीकल्चर में सहायक। और अगर सच कहूं तो हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश के बिजनेसमैन पर डिपेंड करती है। मिस्टर राजन महादेव, ये क्या बिजनेस करते हैं बताने से अच्छा होगा कि इन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, व्यापार के बारे में मुख्य फैसले लेने से पहले इनसे ही ओपिनियन पोल लेते हैं। सो ये बिना तनख्वाह लेने वाले एडवाइजर हैं। थैंक यू। घर के लिए मेहनत करने वाले को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन देश के लिए मेहनत करने वाले को गौरवशाली कहते हैं। सो बी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। जय हिंद। Thank you, Mr. Prime Minister, for giving us your precious time. Good speech, sir. Thank you. Gabhi, training trip, huh? अपने वारिस को ready कर रहे हैं, Daddy? हो ही नहीं सकता अंकल, वो तो मुझे अभी कार में बैठने भी नहीं देते। उनके स्पीच को लाइव देखना ये झूठ बोलकर मैं खुद यहाँ चिपक कर आ गया हूँ। सही वजह बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अंकल, आपकी उम्र के हिसाब से ये सब आपको पूछना नहीं चाहिए, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। ओके ओके, नहीं पूछता और तुम भी मत बताओ। Escorting the Prime Minister en route to the Presidential Palace.